संदीप सिंह का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन संदीप सिंह की पहचान असलियत में क्या है? कौन है ये शख्स जो अचानक सुर्खियां बटोर रहा है? कैसे आइसक्रीम बेचने वाले से संदीप सिंह बन गया संजय लीला भंसानी का सबसे भरोसामंद आदमी? सारे जवाब के लिए जानते हैं संदीप सिंह से जुड़े कुछ अहम बातें। संदीप सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। संदीप के परिवार में उनकी माँ और बहन ही है। संदीप अपने पढ़ाई के दिनों में ही मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में आइसक्रीम बेचते थे। संदीप को पत्रकार बनने का बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने छोटी बड़ी मैगजीन और मीडिया स्थानों पर काम भी किया। संदीप बातों में तेज और जुगारू किस्म का इंसान है और मीठी मीठी बातें करने में माहिर है। संदीप के करियर में सफलता आई जब रेडियो स्टेशन में काम करने का मौका मिला। मुंबई के कई रेडियो स्टेशन में काम करते करते संदीप ने काफी फिल्मी हस्तियों को दोस्त बना लिया और ऐसे ही एक रिश्ता था फिल्म मेकर संजय लीला भंसानी के साथ। फिल्म सावरिया के दौरान संदीप संजय से जुड़े और उनके खास दोस्त और राजदार बन गए। संजय लीला भंसाली ने संदीप को अपनी कंपनी का सीईओ तक बना दिया। 2015 में संदीप ने भंसाली की कंपनी छोड़ और खुद प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने लीजेंड ग्लोबल स्टूडियो नाम की कंपनी बनाई और अलीगढ़ भूमि, सरबजीत और पीएम नरेंद्र मोदी जैसी फिल्में बनाई। संदीप सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के दोस्त थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद संदीप अंकिता के साथ नजर आए, लेकिन सुशांत के साथ नहीं दिखे।